गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था रेस्पिरेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ये जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने तरीके का होता है। मेनली जो रेस्पिरेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। वन बाय वन करके इन दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो टेक प्लेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स सेड टू बी एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोसिस की प्रोसेस से टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है। मीन उसे ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है बाय द क्रैब प्रोसेस। ये माइक्रोमिटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी रिलीज करता है 38 एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है इस प्रोसेस के दौरान। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है तो देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के दौरान। एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इस तरीके का रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। इस प्रोसेस में हम दो एग्जाम्पल लेंगे यीस्ट का। यीस्ट जो होता है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस करता है, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोसिस की प्रोसेस से पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है इन साइटोप्लाज्म। और फिर जो पाइरूवेट होते हैं वो यीस्ट जो होता है उन्हें फ्रेगमेंट करता है और फ्रेगमेंट करके उसके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम ये बताते चलें कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज इन लेसर अमाउंट, और वहीं एनर्जी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी इन लार्जर अमाउंट। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर देखा यीस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हुआ जब ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोसिस की प्रोसेस से पाइरूवेट के टू मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हुआ। यीस्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऑफ एनर्जी जो कि वो इस्तेमाल करता है अपने लिए। इन अ सिमिलर मैनर जो हमारी बॉडी होती है जब एथलीट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी बॉडी जो होती है एनारोबिकली रिस्पायर करती है। एनारोबिक रिस्पायर करने के दौरान क्या होता है, मसल्स के अंदर क्रम्प आ जाता है। क्यों? क्योंकि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है एज दे रिस्पायर एनारोबिकली। तो ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोसिस की प्रोसेस से इन साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल में CCOOH की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड इन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 2 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है CH3COH COOH का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन जो होता है हमारे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन
रहती है। जो लैक्टिक एसिड हमें दिखाया जा रहा है ये ही जो हमारी बॉडी के अंदर क्रम पाते हैं उनका कारण बनता है। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को समझा। एक बार और दोबारा समझते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने पहले जाना एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। रेस्पिरेशन डेट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोसिस की प्रोसेस से टू मॉलिक्यूलो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। क्रेब्स साइकिल की मदद से ये एनर्जी कम्यूशन होता है माइक्रोमीटर के अंदर और लॉट ऑफ एनर्जी 38 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी का बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होता है। वहीं दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन था एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे हम पहला एग्जांपल लिया यीस्ट का। यीस्ट जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और यीस्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इथेनॉल जो होता है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन अ सिमिलर मैनर जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोसिस की प्रोसेस से पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन के होते हैं। हमने देखा है कि चीता जो होता है एक हिरण के पीछे भागता है तो बहुत तेजी से भागने के बाद एक समय के बाद उसे रुकना पड़ता है क्योंकि उसकी बॉडी में वो इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सडनली नहीं मिल पाती उसे और वो एनारोबिकली रिस्पायर करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो लगातार बहुत तेजी से भागेगा तो मोस्ट पॉसिबली उसको थ्रेटन टू लाइफ हो सकता है। नोट डाउन।